Hello everyone, I'm Rakesh and I just welcome you all guys to our beautiful YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं. Yes guys, जैसा तुम देख सकते हो, how to score 50 plus marks in chemistry in just 15 days without organic. Yes guys, बिना organic को touch किए तुम 50 plus marks score कर सकते हो, मैं guarantee देता हूँ. और अगर मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को अगर continuously follow करते हो 15 days तक, तो तुम इजीली स्कोर कर सकते हो 50 प्लस मार्क्स. ओके, एंड यहाँ तक बहुत कम इनऑर्गेनिक के पार्ट्स को भी लेंगे हम. सिंपली तुम अपना थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है जो भी है उसको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में. गाइस, अगर तुम इस वीडियो को जब क्लिक करके ओपन कर ही लिया तो फुल देखना, क्योंकि आधा देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है. कुछ नहीं आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. हाफ नॉलेज बहुत हार्मफुल होती है. सो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, एंड तक देखना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना. चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ. बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स के. मैं इस वीडियो को इसमें बताऊंगा तो तुमको बताऊंगा कितने कितने मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाए हुए हैं, ठीक है. सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो कंटिन्यू करते हो. सबसे पहले तुम देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है. गाइज, फिजिक्स की मैंने भी बताया था, फिजिक्स में भी 50 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, वीडियो अपलोड हो गई है, जाकर देख सकते हो, ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट में गाइज, हर एक साल एक क्वेश्चन आता है. मुझ पर बिलीव नहीं करते हो, जाकर पेपर उठा के देख लो यार. तुमने पेपर दिया होगा मोल कॉन्सेप्ट पे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. सो मोल कॉन्सेप्ट पे एक एटमिक स्ट्रक्चर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यार. फॉर्मूला, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना. नोड्स क्या होता है, रेडियल नोड्स क्या होता है, एंगुलर नोड्स क्या होता है. देखो यार, मेरे पास तो ट्रिक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं. एटमिक स्ट्रक्चर पे मैंने ट्रिक्स भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाकर देख लेना. और नहीं तो चैनल पे मिल जाएगा, जाकर देख लेना. एंड केमिस्ट्री शॉर्ट ट्रिक्स करके होगा यार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. केमिस्ट्री शॉर्ट ट्रिक्स, इसमें 20 से 25 वीडियोस है. 20-25 वीडियोस को देख लो, दो से तीन क्वेश्चंस इजीली कंफर्म मैच कर जाएंगे. मैच क्या, वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक्स अप्लाई हो जाएंगे जेई मेंस में, ठीक है. नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे, ठीक है. सो देख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चंस कंफर्म रहते हैं यार. तो दो क्वेश्चंस हो गए. केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर, मैं उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बता रहा हूं. और ये एक टॉपिक ना तो खुद भी मानोगे यार, ये टॉपिक हमेशा कॉमन होता है. MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. यस, बॉन्ड और कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही सब कैलकुलेट करना रहता है. और बहुत तेजी सा कॉन्सेप्ट रहता है. नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना यार, नहीं तो बहुत अफसोस करोगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. मैंने ट्रिक भी बताया है MOT पे, केमिकल बॉन्डिंग करके है ट्रिक, जाकर देख सकते हो यार, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है. मेरे चैनल पर जाकर देखो, ट्रिक से भरा पड़ा है चैनल, ठीक है. नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ट्रिक है यार. और उन्हीं उसी ट्रिक्स पे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस के, उन्हीं ट्रिक्स पे आते हैं, क्योंकि वही जो भी जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस देता है मैंने उस पर ट्रिक बना के रखा है. तो जाकर देख सकते हो, एक क्वेश्चंस इस पे भी कंफर्म रहते हैं. काइनेटिक्स थोड़ा लेंदी पार्ट है. लेंदी पार्ट मतलब ये होता है यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेशन में एक क्वेश्चंस कंफर्म रहते हैं. नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल, बहुत ईजी चैप्टर होता है, बहुत इसलिए दोनों को रेड में लिखा है. रेड में लिखने का मतलब था कि बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है. तो यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, और फिर से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है. तो ये दोनों बहुत सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन को मैंने ब्लैक में इसलिए लिखा है, क्योंकि वो थोड़े लेंदी चैप्टर होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, मतलब उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा रहता है, एंड सॉलिड स्टेट में थोड़ा रिमेंबरिंग पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है. तो ये दोनों से भी एक एक क्वेश्चन आते हैं. तुम काउंट कर सकते हो कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 क्वेश्चन हो गए गाइस. और यहां पे मैंने दो तीन अभी कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक मैं भूल गया था तो वही ऐड करना था. देख सकते हो यहां पे एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स गाइज, इसको NCERT में मेटलर्जी करके मिल जाएगा तुमको. बहुत ही सा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्लस वन, दैट इज 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन तुमको ईजिली बिना इनऑर्गेनिक बिना ऑर्गेनिक के मिल गए. और बहुत ईजी है यार, कोई भी कॉन्सेप्ट बता दो जो कि डिफिकल्ट है. और इन कोई भी ऐसा टॉपिक बता दो मेरे को, कमेंट बता देना तुम कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नहीं आए थे. अगर तुम्हारे शिफ्ट में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, मैं गारंटी देता हूँ हर एक शिफ्ट में आते, हर एक शिफ्ट में आते इनसे क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट तुम देख सकते हो, हाँ तुम बोल सकते हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से नहीं आते, बट गाइज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में रहते हैं तुम, अगर उस वो टॉपिक दूसरे में भी मिल जाएंगे बट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में रहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, देख सकते हो यहाँ पे. अब यहाँ इसके बाद करने पे बोले हो 50 से 40 मार्क्स हुआ तो 50 मार्क्स लिखा है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे PYQs होता है हमारा, PYQs ऑफ JEE मीन्स फेब्रुवरी एंड मार्च. गाइज इसमें टोटल 8 सेट्स हैं,
8 सेट्स को सॉल्व कर लो, 15 डेज है, 8 सेट्स को सॉल्व कर लो, सिंपली तुम स्कोर कर लोगे बहुत मार्क्स, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। एंड देखो अभी 15 दिन है ना, तो एक दिन सॉल्व करना, एक दिन फुल एनालिसिस करना, मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है, तभी वो फ्रूटफुल होगा। वहाँ पे तुम कुछ भी नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम बोलूंगा 3 से 4 नंबर, तो 3 से 4 क्वेश्चंस तो इजीली, तो 10 प्लस और हम 3 लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं, तो ये 13 क्वेश्चंस हो गए। फिर गाइज एक और मैं बताना चाहूँगा, देखो यार, और अगर अच्छा सा स्कोर करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, 2005 से पहले, 2005 से तुम्हारे पास अरिहंत का बुक होगा। यार मेरे को पता है यार, सबके पास होता है, ठीक है, अरिहंत का बुक होगा, उसमें प्रीवियस PYQs दिए हुए रहते हैं, उसमें 2005 से पहले के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेना, क्योंकि तुम देखोगे ना पैटर्न, तो जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वो 2005 के पहले वाले जो IIT लेवल के क्वेश्चंस होते थे वही वाले सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अब तो इतने ज़्यादा सिप्स हो गए, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। सो यहां से भी करोगे तो यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चंस ईजिली मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो अगर 2 ही करते तो ये 15 क्वेश्चंस हो गए, 15-60 मार्क्स इजिली स्कोर कर लोगे। यार मैं इसमें ये जो है ना, ये दो इसमें तो ऑर्गेनिक इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑर्गेनिक क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीट ही होते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, हाँ तुम नहीं पढ़े होगे तुमको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक को इंक्लूड नहीं किया है। ऑर्गेनिक को इंक्लूड नहीं करते तो 40 मार्क्स इजिली, अगर ऑर्गेनिक को थोड़ा भी इंक्लूड करते तो 60 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी होगी मेरे को कमेंट्स में बता देना है, और ऐसी वीडियोस अगर और चाहिए तो कमेंट में बता देना, साथ ही साथ चैनल पर रहना तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत मिलते रहेंगे, और इन सारे टॉपिक्स पे ना बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, तुमको जाकर देख सकते हो, होगा मेरे पास टाइम होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो केमिस्ट्री शॉर्ट ट्रिक्स करके मिल जाएगा, जाकर मेरा चैनल पर देखना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग।